Hi, I am Dr. Nagesh Chandra, Senior Consultant, Neurosurgery at Center for Brain and Spine, Dwarka. आज मैं आपको हेड इंजरी या सिर की चोट से साझा करूँगा. हेड इंजरी एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिससे पेशेंट्स हमें कंसल्ट करते हैं. हेड इंजरी में सिर में चोट लगती है जिसके काफ़ी सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं. दूसरा, अगर कोई भारी चीज़ या जैसे पत्थर या लकड़ी से चोट लग जाना होता है, या कोई फिजिकल वायलेंस की वजह से भी सिर में चोट लगती है, या कोई कहीं ऊंचाई से गिर जाता है तो इसमें भी सिर की चोट लग सकती है. जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं हेड इंजरी के, उसमें सिर दर्द का होना, बेहोशी आना, उल्टी आना, कईयों को मिर्गी का दौरा भी आ सकता है, और धीरे धीरे उनके जो होश है वो कम होता जा सकता है. ऐसी परिस्थिति में हम जिसको भी सिर की चोट लगी रहती है तो उनको हम रेकमेंड करते हैं कि वो नियरेस्ट न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करें, ताकि उनका डिटेल्ड इवैल्यूएशन और इन्वेस्टिगेशन हो सके कि जो इनकी हेड इंजरी है वो कितनी सीरियस है और उसका क्या इलाज होना है. इसमें कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो रेड फ्लैग साइंस हम बोलते हैं, जो सीरियसनेस इंडिकेट करते हैं, जिसमें प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वर्सनिंग हेडेक, नौसिया, वॉमिटिंग, सीजर्स, ये सारे होते हैं, जिसमें ये अगर साइंस अगर आपके पेशेंट में हो रहे हैं तो इनको कृपया नज़रअंदाज नहीं करिए और जितना जल्दी हो सके आप कंसल्ट करिए. एनी पेशेंट हु हैज़ हेड इंजरी शुड डेफिनेटली कंसिडर कंसल्टिंग अस एट सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड विद हेड इंजरी. थैंक यू.